तो हम जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहे थे। फॉर एग्जांपल ये चकवाल डिस्ट्रिक्ट की मैंने एड लगाई हुई है और एक डेजिग्नेशन है स्कूल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सुपरवाइजर्स। ये नेट में आप इसके बारे में मजीद डिटेल से पढ़ सकते हैं, ये जॉब है क्या, कौन सा डिपार्टमेंट इसको ऑफर करता है, इनका काम क्या होता है। लेकिन ये आप कह सकते हैं कि एक 17 ग्रेड की एक जॉब है गस्टेड लेवल की, और इसमें एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर हंड्रेड्स में लोग हैं, 200, 300, 250 डिपेंडिंग अपॉन दी जो साइज है डिस्ट्रिक्ट का उसके हिसाब से ये लोग हैं। और ये डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जो है ना उसके साथ इसकी सारा जो है वो सिस्टम एग्जिस्ट करता है। इसी तरह ये पाक पतन में आई थी और इसमें 11 सीट्स एडवर्टाइज हुई थी। एज लिमिट आपके हिसाब से वो फॉल कर रही होती है, ठीक है। और इसमें नो डाउट बाकी लोग भी एलिजिबल हैं, इस पर हमने काफ़ी अभी इनको रिक्वेस्ट की हुई है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, इसमें एक्सक्लूसिव जो है ना वो न्यूट्रिशन के रिलेटेड लोगों को रखें। और इसमें जो पॉलिटिकल साइंस इवन एमबीए, एमबीए और एमपीए, ये इस तरह के जो पॉलिटिकल टाइप के जो सब्जेक्ट्स हैं तो इनको नहीं होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेट है, होपफुली एक दिन आएगा कि ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। इसके अलावा ये किसी और डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी डिस्ट्रिक्ट में सीट्स थी, 21 सीट्स थी, और इन्होंने एनटीएस के थ्रू जो है ना इनको फिल करवाया था। लिया में 17 स्केल है और 2 इसमें सीट्स हैं। इस तरह आप लोग विजिट करते रहेंगे तो आपको गाहे बगाहे या अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कभी विजिट करके देखें इस वक्त कहाँ कहाँ पे जो है ना वो न्यूट्रिशनिस्ट प्रैक्टिशियंस जो हैं वो पब्लिक हेल्थ के जो उनके हॉस्पिटल्स हैं या सेटअप्स हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो मज़ीद आप जैसे आपकी डिग्री करीब होगी फाइनल होने के उस वक्त आपको इन अपॉर्चुनिटी को ज़्यादा टैप करना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए। CMH का मैं जिक्र कर रहा था, ये CMH सियालकोट में, यहाँ पर हमारी स्टूडेंट भी काम कर रही है इस वक्त, और CMH पिंडी में जो है इस वक्त 4 से 5 लोग हैं, उनका डाइटिशियन का डिपार्टमेंट है, नुसरत भट्टी साहब इसको लीड कर रही हैं। तो इसमें भी आपको एक अपॉर्चुनिटी जो है वो अवेलेबल है। और आर्मी के जो बाकी हॉस्पिटल हैं जैसे एयरफोर्स के हैं या नेवल के हैं वहाँ पे भी डाइटिशियंस जॉब कर रहे हैं। एक और अपॉर्चुनिटी है जो कह लें कि 1-1.5 साल पहले इसको एक्सप्लोर किया गया, पंजाब फूड अथॉरिटी ने डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जाके न्यूट्रिशन क्लिनिक्स जो हैं वो इस्टेब्लिश किए हैं। उन न्यूट्रिशन क्लिनिक्स के अंदर जो है ना वो जो डाइटिशियंस हैं या जो न्यूट्रिशन के प्रोफेशनल्स हैं उनको इंडक्ट किया गया। तो अब मैं बात करूंगा कोड ऑफ एथिक्स की। कोड ऑफ एथिक्स क्या होते हैं, जब आपने किसी डिसिप्लिन के अंदर रहना हो तो वहां पे कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना होता है ताकि वो एक डिसिप्लिन नजर आए, और डिसिप्लिन के अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल ये आपके अंदर बात होनी चाहिए कि आप साइंटिफिक हॉनेस्टी, इंटेग्रिटी और फेयरनेस पे अमल करेंगे। डिस्क्लोज एनी रियल और पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अगर कोई क्लाइंट ऐसा आता है कि जिसके साथ तो खुदा नखास्ता आपके तल्लुकात अच्छे नहीं है तो आप पहले ही उसको इन्फॉर्म कर देंगे आप मेरे से नहीं, आप किसी और से जाके ट्रीटमेंट करवा लो, ठीक है। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना वो शो ऑफ करना चाहिए। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और साइंटिफिक नॉलेज की बेस पे आप लोगों को जो है ना वो अवेल्युएट करें, और हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल कम्पिटेंसीज हैं उनको अचीव करें। इवन डिग्री करने के बाद भी जो है ना अपने आप को जितना बेहतर कर सकते हैं वो करें। प्रोवाइड सर्विसेज विद ऑब्जेक्टिविटी ऑफ जजमेंट बेस्ड ऑन स्टैंडर्डाइज्ड इंफॉर्मेशन। रिकॉग्नाइज दैट लीजिमेट डिफरेंसेज ऑफ ओपिनियन में एग्जिस्ट। आप अपनी तरफ से बेहतर क्लाइंट को जो है ना वो डायगोनाइज करें, ट्रीट करें, लेकिन इस चीज़ को जेन में रखें कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस जो हैं वो हर जगह एग्जिस्ट करते हैं। तो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को स्पेशली जो है वो कॉन्फिडेंशियल रखें, किसी का नाम, एज, बीमारी ये शेयर नहीं करनी चाहिए। तो ये नहीं है कि आप उसके पूरे रिश्तेदारों में ये चीज़ खिला दें कि भाई इसको ये मसला है या ये मेरे से ये फलां चीज़ का इलाज करवा रहा है।
avoid adverse comments upon the character, competency and integrity of other members of professional. कि आप किसी डाइटिशियन के बारे में नेगेटिव कमेंट्स नहीं देंगे. अगर क्लाइंट कहता भी है ना कि मैं फलां के पास गया हूँ, तो आप कहें कि भाई आप मेरे पास आए हो तो मैं आपको अपने तरीके से डील करूंगा. तो बजाय इसके कि आप ऐसे बैक बाइटिंग वाला काम शुरू हो जाए, उनसे सुनना शुरू कर दें, वो सुनाना शुरू कर दें, और इसमें फिर हम एक दूसरे को प्रोफेशनली लेट डाउन करें, तो प्रोफेशन में आपने कभी किसी को लेट डाउन नहीं करना. एक्नॉलेज एंड डिस्चार्ज द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड सपोर्ट ऑफ द प्रोफेशन. अपनी ड्यूटी को बेहतर तरीके से परफॉर्म करें जिस कैपेसिटी में भी हैं. नो नॉट इंगेज इन द कंडक्ट लाइकली टू ब्रिंग द डिसिप्लिन इनटू डिस्प्यूट. ऐसी बातें, ऐसे काम, ऐसी हरकतें ना करें कि जिनसे डिसिप्लिन जो है वो डीफेम हो. सोसाइटी में जब नया डिसिप्लिन इमर्ज हो रहा हो तो उसमें ये चीज बड़ी मैटर करती है कि ऐसी बातें ना करें जिनको लोग समझें कि ये तो टोटके सुना रहे हैं, ये तो जस्ट कह लें कि बेस के साथ, लॉजिक के साथ जब बात करेंगे ना तो वो सब उसको रिस्पेक्ट देंगे. नॉट प्रमोट और एंडोर्स न्यूट्रिशनल प्रैक्टिसेस इन अ फॉल्स मिसलीडिंग एंड अनएथिकल मैनर. खुदा न खास्ता अगर किसी चीज का इलम नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो उसको गलत तरीके से लेके ना चलें. आप सिंपली सॉरी कर सकते हैं, आप टाइम ले सकते हैं कि आज भाई इस पे मैं बहस नहीं कर सकता, आप नेक्स्ट विजिट कर लें, उसमें हम इसको डिस्कस कर सकते हैं, रादर देन कि आप किसी को गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके उसका नुकसान करें. तो ये कोड ऑफ एथिक्स जो है ना, ये नॉर्मली दुनिया में मिलते जुलते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है. और सबका मकसद क्या है कि हमने एक डिसिप्लिन के साथ प्रोफेशन को रन करना होता है. PNDS की मैं बात कर रहा था, ये सोसाइटी, इनकी वेबसाइट पे आप जा सकते हैं. PNDS लिखेंगे तो वेबसाइट आपको एक्सेस हो जाएगी और यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो आपके डिसिप्लिन के हवाले से मिल जाती है. और PNDS के डिफरेंट चैप्टर्स हैं या इसके सब सेक्शंस कह लें, और फैसलाबाद में भी इसका सेक्शन जो है वो 2017 में इस्टेब्लिश किया गया. इसको इस्टेब्लिश करने का फ़ायदा ये हुआ है कि हमें डाइटिशियन के टेस्ट के लिए अब लाहौर या इस्लामाबाद नहीं जाना पड़ता और आपके इंस्टीट्यूट में इसका टेस्ट कंडक्ट हो जाता है. इसके अलावा हमें ये फ़ायदा है कि हम साल में 4 एक्टिविटीज़ जो है ना वो 3-3 माह के वक्फे से हमने करनी होती हैं. तो अगर आप इस सोसाइटी के मेंबर्स बन जाते हैं तो आप फ्री ऑफ कास्ट उन एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले सकते हैं. एटलीस्ट 4 फंक्शंस जो हैं वो आप जो प्रोफेशनल हैं उनको अटेंड करने के काबिल हो जाते हैं. और इसके अलावा जब आप 8 सेमेस्टर कवर कर लेंगे तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन की तरफ भी जाना चाहिए. हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अपने साथ RD का वर्ड लिखते हैं, रजिस्टर्ड डाइटिशियन. इस वेबसाइट को भाई एक्सप्लोर कीजिएगा जाके. और ये सोसाइटी जो है, इसकी मैंने कहा था कि पाकिस्तान में जो सोसाइटीज़ हैं उनकी नस्बत काफ़ी बेहतर है, वो इस सेंस में है कि इन्होंने बाहर की जो सोसाइटीज़ हैं उनके साथ काफ़ी अच्छा लाइन्स या जो इनके साथ तल्लक है उसको इस्टेब्लिश किया हुआ है. ये हर साल रजिस्टर्ड डाइटिशियन का टेस्ट जो है वो कंडक्ट करते हैं. तो इस साल भी इनकी डेट्स आ गई हुई हैं. अगर कोई बंदा या आपका जानने वाला वो टेस्ट कंडक्ट करना चाहता है, उसकी रजिस्ट्रेशन होती है पहले बकायदा, तो वो इनकी वेबसाइट पे जाके लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ले सकता है. PNDS ने भी कुछ कोड ऑफ एथिक्स बनाए हुए हैं. फर्क सिर्फ यह है कि इन्होंने इनको HNPs का नाम दे दिया है, ह्यूमन न्यूट्रिशन प्रोफेशनल्स कोड ऑफ एथिक्स. ऑल कोड ऑफ एथिक्स बिल्कुल वही है जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किए हैं कि क्लाइंट की जो है ना वो इंफॉर्मेशन को किसी के साथ शेयर नहीं करना, कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी है, आपस में एक दूसरे को रिस्पेक्ट देनी है, किसी को लेट डाउन नहीं करना, डिसिप्लिन को बड़े फेयरनेस तरीके से और प्रोफेशनल तरीके से ऑनेस्टी के साथ जो है ना आपने इसको कंडक्ट करना होगा. साइंटिफिक बेस पे जो है ना वो लोगों को आपकी जजमेंट जो है वो साइंटिफिक बेस पे जो है ना वो होनी चाहिए और लोगों को इतनी इंफॉर्मेशन जरूर प्रोवाइड करें कि वो अच्छे और बुरे में तमीज़ करने के काबिल हो जाएं. इसको हम कहते हैं इन्फॉर्म चॉइसेस, ठीक है. इन्फॉर्म चॉइसेस वाली कंडीशन कब आती है, जब किसी का नॉलेज आप इस लेवल पर ले जाएंगे कि वो डिसीजन कर सके और ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना हो जिनसे प्रोफेशन जो है वो लेट डाउन हो. फॉल्स जो है ना वो कह लेंगे, हाँ, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बड़ा मैटर करता है. कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप किसी जगह पे है तो उसको डिस्क्लोज करना चाहिए.
इनको काइंडली आपने खुद गो थ्रू कर लेना है जितने भी ये थे। अब मैं बात करूंगा कि कैसे रजिस्टर्ड डाइटिशियन बनना है, तो उसके लिए इस सोसाइटी के अंदर जब हर साल एक टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, और इसमें एक टेस्ट के साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पे चीज में भी गलत क्लिक हो गई है जी, इनकी गालबन इनकी वेबसाइट खुलने जा रही है, लेकिन मैं फोकस करूंगा प्रेजेंटेशन पे। लास्ट में 2-3 स्लाइड्स हैं और इनके अंदर टेस्ट के वाले से बात की गई है कि टेस्ट जो है ना इनका 4 कह लें कि इसके सेक्शंस होते हैं, उनमें से ये टेस्ट कंडक्ट करना होता है और हर सेक्शन में से आपको 33% मार्क्स यानी 25 मार्क्स के 4 सेक्शन बन जाएंगे, और उन 4 सेक्शंस में से ही आपने जो है वो ये सारा जो है वो सिस्टम करना होगा। जैसे न्यूट्रिशनल साइंसेज हैं, क्लिनिकल न्यूट्रिशन है, पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन है, और फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन एंड हॉस्पिटल फूड सर्विसेज, ये इनके 5 सेक्शंस हैं। इनके रिलेटेड जाना ये क्वेश्चन पूछते हैं, और न्यूट्रिशनल साइंसेज के रिलेटेड 25% क्वेश्चंस हैं, पब्लिक हेल्थ के 20%, क्लिनिकल, तो ये इतने इतने क्वेश्चंस आप कह लें। तो अब क्राइटेरिया इन्होंने क्या रखा हुआ है, नंबर एक तो आपने 50% मार्क्स लेने हैं पास होने के लिए, नंबर टू ये है कि हर सेक्शन में से आपने 30% जरूर मार्क्स लेने हैं, यानी किसी सेक्शन में अगर 30% से कम मार्क्स आ गए और बेशक आपके 50% से भी ज्यादा टोटल हो तो फिर भी आप इसको आपको क्वालिफाई नहीं गिना जाएगा। तो नो डिजीज डेट कैन बी ट्रीटेड बाई डाइट शुड बी ट्रीटेड विद एनी अदर मीन्स, ठीक है, ये बड़ा एक फेमस प्रोवर्ब है। कोशिश करनी चाहिए पहले मरहले पे कि डाइट के थ्रू जो है ना इंडिविजुअल्स को ट्रीट किया जाए। तो ये आपका लेक्चर जो है वो भी कंप्लीट हो गया, और मैं इनकी वेबसाइट का लिंक आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देखें 13th रजिस्टर्ड एग्जामिनेशन January 30 को ये होने जा रहा है, और रजिस्टर्ड डाइटिशियन के लिए आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो फीड करनी है। तो इनकी वेबसाइट को आप भी एक्सप्लोर करें, इनका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, लॉज क्या है, कोड ऑफ एथिक्स वही है जो मैंने आपके साथ अभी शेयर की है। 30 January को इनका टेस्ट होने जा रहा है, मेंबर कैसे बनना है, मेंबर्स को बेनिफिट्स क्या हैं, और वेबसाइट में देखें तो टॉप पे फॉर पब्लिक इसमें क्या मैसेजेस हैं, प्रोफेशनल्स के लिए इसमें जो इन्फॉर्मेशन है, और मेंबर्स कैसे बनना है आपने, और फिर इसी हवाले से रिन्यूअल वाली स्टेज आती है तो उसको आपने कैसे लेके चलना है।